हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप टाइटल और थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि मैं 24 आवर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ मैगी खाने वाला हूँ। मैंने खा पाऊंगा गाइस, देखा कि मुझे कुछ किया गया, किसी ने कच्ची मैगी खाई है। और डिनर में बनाने वाला हूँ कुकर मैगी। टी टाइम में तो सिर्फ प्लेन मैगी खा पाऊंगा गाइस, क्योंकि सुबह सुबह इतना मसालेदार मैं नहीं खा पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो गाइस प्लेन मैगी मैं तब खाता हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो, मतलब स्कूल जाना हो या फिर कोचिंग जाना हो और फटाफट से कुछ खाना हो, तो हम सबके फेवरेट सिर्फ मैगी ही होती है। फट से बन जाती है और खा लेते हैं और चले जाते हैं। क्या आप लोग भी ऐसा करते हो? सो गाइस, मेरी बन चुकी है प्लेन मैगी। सुबह सुबह तो मैं यही खा पाऊंगा, तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, खाकर देखता हूँ। सादी मैगी मुझे पसंद है सबसे ज़्यादा। किस किस को सादी मैगी पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फटाफट से मैं इसे ख़त्म कर लेता हूँ। इट्स ब्रेकफास्ट टाइम गाइस, और ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाला हूँ मैगी सैंडविच। चलिए बनाता हूँ, दिखाता हूँ कैसे बनाना है। यहाँ पे टमाटर केचप लूँगा और ब्रेड, थोड़ा सा मैगी। अब एक छोटा सा चीज़ क्यूब लेंगे और उसे घिस कर ब्रेड पर लगा देंगे। हमारा फटाफट से टेस्टी सा नाश्ता तैयार हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब इस पर हम अगेन टमाटो केचप पकाएंगे, जिससे स्वाद और अच्छा है। दूसरे ब्रेड को रख कर तैयार है, चलिए खाते हैं। जब मैंने इसे टेस्ट किया ना गाइस, लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप इस तरीके से बनाकर खा सकते हो। इट्स लंच टाइम गाइस, और लंच बनाने वाली मैगी, लेकिन ऐसी वैसी मैगी नहीं। इसमें मैं स्पाइसी नूडल्स का टेस्ट मेकर डालूंगा, जो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होती है। मैं तो इसे फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ, इतनी स्पाइसी वाली को, डबल स्पाइसी है ये। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं फिर खाते हैं। मैगी में स्पाइसी नूडल्स का टेस्ट मेकर डालना, ये आइडिया मुझे यूट्यूब से ही आया था, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो टेस्ट मेकर डालती स्पाइसी नूडल्स का, और बहुत ही बढ़िया बन जाता है। तो मैंने सोचा मैं भी देख लूँ अच्छा बनता है या नहीं। इसी तरीके से मैंने बनाया। क्या आपको स्पाइसी खाना पसंद है? पसंद है तो हिट लाइक ज़रूर करिए। स्पाइसी नूडल्स के पैकेट में ये एक और चीज़ दी हुई थी, तो मैंने इसे ऊपर से डाल दिया और तैयार है हमारा। चलिए इसे खाते हैं। सो गाइस, स्पाइसी सा नूडल्स तो हमने बना लिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और तीखा भी बहुत होगा। वैसे मुझे तीखा खाना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, पसंद है लेकिन ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं खा पाता हूँ। फिर भी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है। गाइस रियली बहुत ज़्यादा तीखा है, इसे पूरा तो मैं नहीं खत्म कर पाऊंगा। किस किस ने इसे ट्राई किया ये भी कमेंट्स में ज़रूर लिखेगा। मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, पानी पी लूँ पहले। ज़्यादा तीखा है ये, फिर भी मैं खाने की जरूर कोशिश कर रहा हूँ कि आधा तो ख़त्म कर दूँ। मैंने खा पाऊंगा गाइस, देखा कि मुझे उचकिया भी आने लगी। डिनर तो मेरा बर्बाद हो गया, इसे मैं अपने सिस्टर को देता हूँ जिसे बहुत स्पाइसी पसंद है, मुझसे नहीं हो पाएगा। इट्स स्नैक टाइम गाइस, और स्नैक टाइम में चाहता हूँ कुछ लेजी वाला बना लो, मतलब बहुत फटाफट वाला, क्योंकि मुझे कोचिंग भी जाना है। इसलिए यहाँ पर मैंने कच्ची मैगी ले ली है,
टेस्ट मेकर, इसमें बॉयल वाटर मैं ऐड कर दूंगा। बस अब इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। चलिए फटाफट से खत्म कर लेते हैं। आपको मैं दिखाना भूल गया। इट्स डिनर टाइम गाइस, और डिनर में बनाने वाला हूँ कुकर मैगी। टाडा, क्या आपने कुकर में मैगी बनाई है? तो चलिए बनाते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी, 1 चम्मच ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से चला लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे मैगी। इसमें मैं 3 मैगी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने फैमिली के साथ खाऊंगा। 1 कप पानी, टेस्ट मेकर, और 1 सीटी आने तक पकाना है। चलिए गाइस इसे टेस्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा गर्म भी है। गाइस घी डालने पर इतना स्वाद और वेजिटेबल्स का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। किस किसने इसे ट्राई किया है कमेंट में जरूर बताइएगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं और अच्छे से वीडियो बनाते रहूं। बाय गाइस।